जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। वीडियो कॉल करूं? मन कितने बेशरम हो तुम, कम से कम टी शर्ट तो पहन लेते हो। कम ऑन काजल, नहाते भी कौन टी शर्ट पहनता है? अब नहा के आया हूँ तो ऐसे ही रहूंगा ना। एक सेकंड, हाँ अब बोलो पहनी टी शर्ट। वैसे बोल्ड बिहेव करना तो मैंने तुमसे ही सीखा है। मुझसे? काजल वैसे जिस तरह से तुमने अपने पूरे फैमिली के सामने मेरे प्यार को एक्सेप्ट किया, वो तो कोई बोल्ड लड़की ही कर सकती है ना। वैसे डर नहीं लगा तुम्हें? तुम जब मेरे साथ होते हो ना अंशुमन, तो मुझे डर नहीं लगता। और वैसे भी तुम्हारी फैमिली भी तो थी वहां पर, तुमने कितना कुछ कह दिया मुझे जो पहले कभी नहीं कहा था। तुम्हें डर नहीं लगा? वो क्या है ना काजल, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ किसी बात का डर नहीं होता मुझे। अंशुमन तुम्हें सच कहूँ तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे लग रहा है दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। इतनी ज्यादा टेंशन में थी मैं, एक साथ सारी परेशानियां गायब। बहुत खुश हूँ मैं अंशुमन, सच में। थैंक गॉड काजल तुम बहुत खुश हो। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत नाराज होगी मुझसे, क्योंकि ऐसे बिना बताए मैंने इतना बड़ा केस जो कर दिया था। आई लव यू अंशुमन, और तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती मैं। काजल जरा बाहर आना, मामी बुला रही है, जाना होगा मुझे। अब तक पूरे कपड़े पहन लेना, बाय। ये काजल भी ना बहुत क्यूट है। काजल मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल ना मेरे साथ। क्या हुआ? अरे चल। कैसा बना है पराठा, नमक वमक ठीक है ना? सब बनेगा पराठा, पराठे जैसा ही बना है। ये लीजिए गरम गरम पराठा। अरे अभी तक खाया नहीं आपने, हैं? क्या हो गया आपको, खाइए। क्या खाएं, भूख ही मर गई हमारी। इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से निकल गया, और रही सही कसर वो तुमने पूरी कर दी तानिया से झगड़ा करके। आता भी था ऑर्डर तो अब नहीं आएगा। मैंने कहा था आपसे कि तानिया के घर जाके भीख मांगो, हैं? खुद ही गए थे ना बड़े हीरो बन के। जब देखो तब हर किसी के सामने ऐसे खड़े। बताऊं कैसे भीख मांगते आप सबके सामने, हैं? ला बताए मुझे, ऐसे ही करोगी तानिया जी? चाहे कुछ भी हो जाए, हैं? आप जो बोलोगी मैं वही करूंगा, लेकिन कुछ भी करके ये ऑर्डर आप मुझे ही देना। ऐसे ही भीख मांग रहे थे वहां खड़े रहके, हैं? खबरदार जो आइंदा ये तानिया फानिया से मिले भी तो। आपको सिर्फ ऑर्डर मैं ही दे सकती हूँ, समझे? झांसी की रानी, ये ऑर्डर तो तुम्हारा ही फॉलो करते हैं। अरे हम तो अपने किताब के प्रिंटिंग के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो नुकसान हो गया उसकी बात कर रहे हैं। एक नंबर के शेख चिल्ली, आप दिमाग ही नहीं है। ऑर्डर की पड़ी है आपको, हैं? ऑर्डर की पड़ी है। अरे शुक्र मनाओ कि वो अंधी लड़की घर में बहू बनकर नहीं आई, वरना समाज में मुंह क्या दिखाते हैं, हैं? और तो और जीवन भर उस अंधी लड़की को खाना खिलाना पड़ता हमें। अरे आपको किताब ही लिखनी है ना, किताबी लिखने तो अपना बेटा लिख रहा है ना, छापिए उसकी किताब। अब छापने से याद आया, लेखक महोदय दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है लड़का? घूम रहा होगा कहीं मजनू बनकर अपनी लैला के गम में। और जब से उस मनहूस काजल ने उस अमीर अंशुमन से शादी के लिए हाँ की ना, तब से तो मेरे बेटे के चेहरे का रंग ही उड़ गया है। बेचारा घूम रहा होगा कहीं देवदास बन के। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा। ज
सो स्वीट। तू ना सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। तेरी जो गर्लफ्रेंड होगी ना सच में बहुत लगी होगी देखना। जो मिलके रात जागते थे नैना सहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना। मुझे कितने अच्छे से समझता है ना रोचू, कितनी आसान लगती है लाइफ तेरे साथ। घुटन में बंद हो गए रोचू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। क्या मेरे लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा है? क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो? मामी जी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कौन सी बात काजल? अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनना। वैसे मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी पर अब तुम्हारी शादी होने जा रही है, जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला है। बुरा मत मानना, मैं तो वेट कर रही थी कि जीजी तुम्हें ये बात बताएंगी, पर जब उन्होंने अब ये बात नहीं बताई है तो मैंने सोचा कि मैं ही बता देती हूँ। मम्मी आप बातों को ऐसे गोल गोल क्यों घुमा रही है, साफ साफ बता दीजिए ना क्या क्या बात है। बताती हूँ उससे पहले तुम मुझसे वादा करो कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। तुम किसी को नहीं बताओगी कि ये बात मैंने तुम्हें बताई। सुनहरी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आज खुद काजल को सारा सच बताने आई हूं। सुनहरी तुम जा सकती हो। लेकिन जीजी। सुनहरी प्लीज तुम बाहर जा सकती हो। काजल आज मैं तुझे सब कुछ सच बताने आई हूँ। काजल ये सच बहुत कड़वा है लेकिन मुझे तुझे बताना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती थी कि इसकी परछाई तक तुझ पर ना पड़े लेकिन मुझे तुझे बताना होगा। काजल तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मनु भार्गव कौन है, क्या रिश्ता है उसका हमारे साथ। तू पूछ रही थी ना कि क्यों मैं बार बार तुझे नाचने से रोक रही हूं, क्यों मैं तेरे और तेरे सपनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हूं, क्यों मैं तेरे दिल की आवाज को रोक रही हूं। यही थे ना तेरे सवाल। काजल सबका जवाब एक ही है, मनु भार्गव है ना।
मनु भार्गव और कोई नहीं है, वो तेरा बाप है काजल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।